क्वेश्चन नंबर 24, रोकड़ प्रवाह विवरण कौन से लेखा मानक में आता है? ये आता है लेखा मानक नंबर 3 में आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 में आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। दूसरा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आने वाली मदद। इसने पूछा है बहिर्वाह, मतलब क्या आपने आउटफ्लो की पूछा है, मतलब पैसा कैसे जाएगा। इसमें केवल आपकी आती है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इसमें केवल विनियोग और स्थायी संपत्ति आती है। तो एक तो है जब आपके इनफ्लो भी है और एक है आपके आउटफ्लो भी है। इनफ्लो मतलब पैसा आना, पैसा कैसे आएगा, कोई चीज बेचकर, तो ये आ जाएगा आपके बेचने पर, क्या बेचना है, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। विनियोगों को बेचना और फिक्स एसेट को बेचना, ये होता है आपके इनफ्लो, मतलब पैसा आता है और जाता कैसे है, वही उल्टा खरीदना, मतलब कि आपके परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। विनियोग को बेचना आता है इनफ्लो, पैसा आता है, और खरीदने से पैसा जाता है। तो ये दो मदे हैं आउटफ्लो के लिए और ये दो मदे हैं आपके इनफ्लो, जो पूछे वो आपको लिखनी है। ध्यान देना है कि इसने पूछा क्या, इसने पूछा है बहिर्वाह, मतलब आउटफ्लो पूछा है, इसने पूछा है आउटफ्लो, ये हो जाएंगे इनफ्लो, पूछा ये हो जाएगी। और सभी पूछे साथ में कि बताओ प्रक्रिया, केवल हमें रोकड़ बतानी, यानी कि कौन सी जो विनियोग संबंधी क्रियाओं में आती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आने वाली है, चारों आती है, आउटफ्लो के लिए है, इनफ्लो के लिए है, और सभी आपके इन्वेस्टिंग में ही आती है। फिर है आपके मीनिंग बताना, अर्थ, कैश फ्लो स्टेटमेंट का अर्थ बताना, क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, एक अवधि से दूसरी अवधि में जो भी एक साल के अंदर जो भी क्या हुआ, कैश आया गया, उसका लेखा जोखा रखना, मतलब कि एक अवधि से दूसरी अवधि के मध्य संस्था की रोकड़ में हुआ परिवर्तन, कि पहले कितना केस था, अब कितना केस था, कितना पैसा कहाँ गया, कितना पैसा कहाँ आया, वो उस परिवर्तन को बताने के लिए क्या बनाते हैं, हम केस फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। फिर है कंपनी की बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में करंट एसेट्स बतानी, कोई भी दो करंट एसेट्स बता सकते हो, डेटर है, कैश है, बैंक है, स्टॉक है, कोई भी करंट एसेट्स लिखते हो, तीन चार बिल रिसीवेबल है। इसने कुछ दो मदे पूछी, या आने वाले कोई भी मदे आप दो चार पांच जितना आपको याद है लिख सकते हो। आगे समझिए, तो अब ये वाला इसने बना तुलनात्मक आय विवरण, सवाल आता है हर साल इतना आएगा तुलनात्मक, ये आएगा समानाकार, दोनों में से एक आता है आपके। अब ये तुलनात्मक, तुलनात्मक मतलब तुलना करनी इस साल से अगले साल की, तो इसके लिए क्या बनाएंगे हम, एक बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। बनाना क्या है आपको, आय विवरण, इनकम स्टेटमेंट बनाना, याद लिखेंगे हम इनकम स्टेटमेंट। चार खाने बनेंगे, दो तो साल के और दो वृद्धि कमी और प्रश्न देख के बनेंगे। सबसे पहले आपके यह आएगा साल 2012, यह आएगा साल 2013, यह आएगी आपकी वृद्धि या फिर कमी, लिख सकते हो इंक्रीज या डिक्रीज। फिर है आपके परसेंटेज, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ और डिक्रीज हुआ वो याद कर सकते हो, पहले दिए जमाना आपको, फिर बाद में इंक्रीज डिक्रीज बाद में। सबसे पहले नंबर वन, यह आएगा आपके पर्टिकुलर, सबसे पहले नंबर वन है आपके सेल्स, सन 2012 की सेल्स है आपके 2,00,000 रुपए और 2013 की सेल्स है 2,50,000 रुपए, कितना ज्यादा हुआ ये बाद में लिख सकते हो या पहले कहीं भी लिख लो आप। वृद्धि कितनी हुई वो बतानी है और परसेंटेज बताने हैं, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज निकालना है आपको सूत्र है आपके वृद्धि या कमी, या तो जो वृद्धि हुई है या कमी हुई है बटा 2012 का मूल्य इंटू क्या कर देंगे हम 100, 50,000 भाग 2,00,000, हर बार चेंज होता रहेगा वृद्धि या कमी बटा ये वाला मूल्य, पहले वाले वर्ष का मूल्य, इसमें भाग जाता है कितने बार जाएगा, इसमें 50 ऊपर है तो भाग जाए 25 बार, ये हो गया 25% वृद्धि हुई है तो प्लस में, कमी हुई है तो माइनस में, ऐसे हल करना है। पहले ये वाला काल कंप्लीट, इसमें से हम लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे हम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड,
ये दे रखा है आपके 1 लाख और यहां दे रखा है आपके 1,30,000। यहां जो उत्तर आएगा वो होगा ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये बचा है आपके 1 लाख और ये बचा है आपके 1,20,000। इसमें से हम लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे इसमें से हम, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये दे रखा है आपके 10,000 और ये हो गया है आपके 12,000। फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से गए आपके ऑपरेटिंग खर्चे, ये आएगा आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा परिचालन लाभ, कितना बचा बच्चे 90,000 और यहां बच गया है आपके 1,08,000। फिर लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग खर्चे और ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। हमारे पास डिविडेंड रिसीव्ड है, ये क्या है रिसीव्ड, मतलब पैसा आया इनकम हो गई, तो इनकम ऐड करेंगे और खर्चों को लेस करेंगे। अगर लॉस ऑन सेल ऑफ डिबेंचर ऐसा कुछ होता वो आपके नॉन ऑपरेटिंग है तो वो लेस करते। ये आपके इनकम है, इनकम फॉर इन्वेस्टमेंट वो भी आपके इनकम है नॉन ऑपरेटिंग, तो इसमें हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, लेस्ट है नहीं, ऐड करेंगे हम नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग इनकम हम करेंगे इसमें ऐड, और वो क्या है आपके डिविडेंड है, डिविडेंड हुआ आपके नॉन ऑपरेटिंग इनकम, कितना हुआ, ये दे रखा है आपके 20,000 और यहां हो गया है आपके 20,000। ये हो गया है आपके 1,10,000 और ये हो गया है 1,28,000। ये आ गया आपके प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स चुकाने से पहले का लाभ ज्ञात हुआ है। इसमें से हम क्या लेस करेंगे, टैक्स को लेस कर देंगे, टैक्स दे रखा है 50%, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 50%, वहां वही है 50%, आधा कर लो, इसका आधा होता है आपके 55,000 और इसका आधा होता है आपके, ये होता है 64,000। पीछे बच गए आपके 55,000 और यह बच गया आपके 64,000। अब वृद्धि है कमी निकालनी, यहां था 1,00,000 हो गया 1,30,000, कितने बढ़ गए आपके 30,000 की वृद्धि हुई। प्रश्न निकालना है 30 भाग 1,00,000 × 100, ये हो जाएगा आपके 30%, प्लस हुआ तो प्लस कर देंगे। यहां था 1,00,000 हो गया 1,20,000, मतलब कितना बढ़ा आपके 20,000 बढ़ गया, मतलब कितनी वृद्धि हुई आपके 20%, कैसे 20 भाग 1,00,000 × 100। फिर 10 था 12 हो गया, कितना बढ़ा आपके 2,000, वृद्धि कितनी हुई 20%, प्लस में यहां भी प्लस में, पहले 10 था 12 हो गया, कितना हो गया 2,000, 2,000 बटा 10,000 × 100। फिर 90 था 1,8 हो गया, कितना बढ़ गया 18,000, वही वृद्धि बटा 2,012 का मूल्य 18 भाग 90 या 18 भाग 9 कर दो, 9 × 18 = 30%। फिर यहां 20 यहां भी 20 कोई वृद्धि नहीं हुई, यहां भी आपके कोई परसेंटेज वृद्धि नहीं हुई। ये था 1,10 हो गया 1,28 हो गया, इसमें कितना बढ़ा 18,000 बढ़ गया। प्रश्न निकालेंगे बढ़ गया है तो प्लस, ये 18 भाग 11 भाग जाए पहले जाएगा 1 भाग, फिर बच गया 7 9 7 63 आता रहेगा परसेंटेज निकाल 18 भाग 11 × 100। ये कितना हुआ, यहाँ कितना बड़ा आपके, ये बड़ा है आपके 7,000, कितना 9,000 का 9,000 भाग 55 वही सेम परसेंटेज 16.636%, वही 9,000 की वृद्धि, वही 16.636% या 16.64% भी बोल सकते हैं।